ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं जब हमें अपना डेटा फाइल किसी को ट्रांसफ़र करना होता है, लेकिन सिर्फ उस फाइल का MB साइज़ ज़्यादा होने की वजह से हमारा ज़रूरी काम बिगड़ जाता है। क्योंकि बहुत से केसेस में इतनी MB या फिर हाई GB की फाइल हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है? आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां आपको कभी भी 200 MB या 400 MB या फिर 2 GB तक की फाइल ट्रांसफर करनी है, लेकिन उस वक्त आपको कोई इंस्टेंट मेथड चाहिए, तो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है वी ट्रांसफर, जिसके जरिए आप 2 GB तक की फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वी ट्रांसफर आखिर है क्या? तो वी ट्रांसफर एक ऑनलाइन सर्विस है जिसके जरिए आप कितने भी लोगों को फ्री में 2 GB तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। वी ट्रांसफर रिसिप्टेंट को 2 हफ्ते तक विंडो से फाइल डाउनलोड करने की फैसिलिटी देता है, यानी अगर आपने अपने दोस्त को वी ट्रांसफर से फाइल भेजी है तो 2 हफ्ते तक या उसके बीच कभी भी आपका दोस्त उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए बिना समय की बर्बादी किए आपको बताते हैं कि वी ट्रांसफर को डेटा या फाइल ट्रांसफर के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर वी ट्रांसफर टाइप करना है। सर्च टैब में वी ट्रांसफर डालते ही सबसे पहले आपको वी ट्रांसफर की साइट शो होगी, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वी ट्रांसफर की पूरी साइट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो यहाँ सबसे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना है। अग्री बटन पर क्लिक करते ही उसके बाद आपको इस ऑप्शन में सबसे पहले उसकी ईमेल आईडी डालनी है जिसे आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद अगर आपको अपनी फाइल के साथ रिसिप्टेंट को कोई मैसेज भेजना है तो वो भी आप वहां लिख सकते हैं। उसके लिए आपको ऐड फाइल्स के प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आप कोई भी फोटो, वीडियो या कोई भी फाइल जिसका साइज 2 GB तक हो, वी ट्रांसफर से आप वो फाइल भेज सकते हैं। तो आप ऐड फाइल्स पर क्लिक करेंगे, जिस भी फोल्डर में डेटा सेव है वहाँ से आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी सभी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट एक बार में 2 GB तक ही होनी चाहिए। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि आपकी सिलेक्टेड फाइल्स आपको ऐड फाइल्स के नीचे नजर आएंगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ट्रांसफर पर क्लिक करना है। यहाँ आपकी फाइल ट्रांसफर होनी शुरू हो गई है। ये आपकी फाइल ट्रांसफर हो गई। फाइल ट्रांसफर होने के बाद आपको मेल बॉक्स चेक करना है। वहाँ आपने फाइल्स जो भेजी है उसका मेल आपको भेज दिया गया है, साथ ही जिसे आपने फाइल भेजी है उसे भी मेल आ जाएगा, जिसमें एक लिंक भेजा गया है। आपने जिसे फाइल भेजी है वो उस लिंक पर क्लिक करके उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि वी ट्रांसफर से कैसे आप इजीली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपके लिए किसी ऐसे ही ज़रूरत भरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।